शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। कैसे पता चलेगा किसमें नमक किसमें चीनी? हे भगवान, अम्मा जी देखिए ना, जिसे चीनी और नमक का फर्क नहीं पता वो क्या प्रसाद बनाएगी। तुम रसोई से बाहर निकलो। काव्या को आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है। बद्री, चीनी इसमें है ना? जी। काव्या, मैं चीनी का डब्बा अलग यहाँ पर रखता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। उल्कामुख नामक राजा जो कि बहुत ही धर्मात्मा था, वो किसी राज्य में अपने पूरे राज्य वासियों के लिए हमेशा सत्यनारायण भगवान की कथा किया करता था, और उसको देख करके मेघ नाम के उस साहूकार ने आकर के वहां पे ये सोचा कि मैं भी इसी पूजा में क्यों नहीं ध्यान दूं, और उसने राजा से पूछा, राजा इस पूजा का अभिप्राय क्या है? मजा आने वाला है। कथा समाप्त हो गई है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूजा संपन्न हुई। सौभाग्यवती रहो। बहू, अब आप सबको प्रसाद दो। जी। दादी माँ, प्रशांत कैसा बने? अच्छा बना है। तुम रसोई में जा सकती हो। थैंक यू दादी।
मौत की नजरों में तुम तरमखान बन रही थी, हाँ? काव्य को नीचा दिखाने के लिए तुमने ये चाल चली थी, ये पूरी की पूरी चाल उल्टी तुम्हारे मुंह पे पड़ी। चूल्हे पर नमक मत छिड़के। मैंने तो चीनी की जगह नमक का डब्बा रख दिया था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ये तो नमक है, भूलते ये लोग हैं और कहते हैं भुलक्कड़ मैं हूं। अब हम दोनों चलते हैं। हाँ जीजू, घर पर मम्मी पापा कब से इंतजार कर रहे होंगे हमारा। चले काव्या, अपने घर के लिए भी इनको प्रसाद आगे दो ना। जी। एक्सक्यूज मी, एक फोन आ गया। हेलो पृथ्वी। हाँ दी। ये ले, ये मम्मी पापा को याद से खिला देना। हाँ। और आयु तुम भी खा लेना। काव्या तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। क्या हुआ? फोन लगा। अरे कहाँ रह गई ये दोनों, आयुष्मान और पृथ्वी? ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ। कुछ समझ में नहीं आ रहा पार्वती जी। तक तो आ जाना चाहिए था, कहीं हवेली में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। पार्वती भाभी आप इतना क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। लो आ गए ये लोग। अरे कहां रह गए थे भाई, और तुम लोगों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? अरे कुछ पूछा तुमसे, सब ठीक है ना? वहां रेड हो गई थी। वहां क्या रेड? रेड पर किस लिए? अंकल आप परेशान मत होइए, एक रूटीन आईटी रेड थी, वो डिपार्टमेंट को कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल गई थी इसलिए। पर आयुष्मान ने आइडिया देकर सब संभाल लिया। अच्छा। नहीं नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, करण सर ने सब कुछ संभाल लिया। आईटी डिपार्टमेंट के हर सवाल का पुख्ता जवाब था उनके पास, और उनका सारा हिसाब भी क्लियर था। बल्कि एंड में तो आईटी वाले करण सर को सॉरी भी बोल के गए। और जैसी रेड खत्म हुई, करण जीजू ने हम दोनों को सत्यनारायण पूजा के लिए बिठा लिया। जी। जय हो सत्यनारायण भगवान की। तो घबराहट में पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी। पृथ्वी बेटा, काव्या कैसी है? ससुराल जाके वो हम सबको भूल तो नहीं गई? बेटा वो ठीक तो है ना? ठीक। अंकल काव्या तो बहुत खुश हैं,
खुद काव्या ने बोला कि वहां पे सब कुछ बढ़िया है। और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई भी तो काव्या संभाल लेगी, है ना पृथ्वी? जी पापा। अच्छा मम्मी पापा, दी ने आप लोगों के लिए खीर भेजी है। अरे खीर? खीर? हाँ, प्रसाद के तौर पे दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। खुशबू तो बहुत बढ़िया है। मेरी काव्या खीर बनाना सीख गई। अरे आप खड़ी रहेंगी या सबको खीर खिलाएंगे? आइए आइए, चलो आओ। दादी जल्दी काव्या को अच्छे से ट्रीट करेगी, मुझे काव्या पर विश्वास है। आओ करण, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। दादी मैं कुछ सोच रहा था। हाँ बताइए, क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि जब कोई लड़की शादी करके एक नए परिवार में आती है तो उस परिवार के तौर तरीके सीखने में उसे थोड़ा वक्त लगता है ना। हाँ जरूर लगता है। दादी मैं ये सोच रहा था कि काव्या को भी थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं आपने सही कहा कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और हमारे खानदानी तौर तरीके सीखने में समय लग सकता है, लेकिन हमें उसे वो समय देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको क्या लगता है? एकदम गलत लगता है। करण बेटा साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि बहू रानी ने आपके कान भरे हैं और आप यहाँ उसकी वकालत करने चले आए हैं। दादी मां ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बिजनेस से मन भर गया है आपका, या फिर घरेलू मामलों में ज्यादा रुचि आ गई है आपको? देखिए करण, जब आईटी रेड हुई थी तब आपने हमें चुप रहने के लिए कहा था। हम समझ चुके थे अपना दायरा। जिस तरह हम बिजनेस में बात नहीं करते उसी तरह हवेली के मामलों में आप भी कम सवाल करें तो बेहतर होगा। बुरा मत मानिए मगर काव्या में वो परिपक्वता नहीं जो एक सिंह खानदान के बहू में होनी चाहिए। सोने को पिघलाकर उस पर बार बार हथौड़ा मारकर ही कुंदन बनाया जाता है, मगर हमें ये भी नहीं पता कि काव्या सोना है भी या नहीं। तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे तैयार करें ताकि हमारे खानदान की जगहसाई ना हो सके। आपने अपनी इच्छा से शादी की है, अब हमारी देखरेख में उसे इस हवेली की बहू बनने में हमारी मदद करें तो बहुत कृपा होगी। सच्ची आपको खीर पसंद आई? हाँ बेटा बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। माँ आपने जैसे सिखाया था ना मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश की, पर ना आप वाला स्वाद ही नहीं था। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने तो इस बार अपनी मम्मी से भी अच्छी खीर बनाई है। क्या सच में? हाँ बेटा। बेटा सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखना, वरना पता है ना ठंड लगने के बाद क्या हाल होता है तुम्हारा। और क्या होगा, छींक छींक के काव्या पूरी हवेली को सर पे उठा देगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे कमरे में हीटर लगा हुआ है। क्या बात है भाई? वैसे तो महादेव का दिया सब कुछ है मेरी बच्ची के पास, लेकिन बेटा फिर भी कभी भी हमारी जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मुझे या अपने पापा जी को कॉल कर लेना। जी बिल्कुल। अच्छा माँ अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे काम है। वो क्या है ना, कबर्ड में मुझे जगह बनानी है अपने कपड़े रखने के लिए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो और हाँ अपना ख्याल रखना बेटा। ओके बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट बेटा, बाय। गुड नाइट। थैंक यू करण सर, आपने मेरे लिए जगह बनाई। पर ना कभी कभी मुझे आप समझ में ही नहीं आते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपके दिल में मेरे लिए जगह कब बनेगी? एक तरफ कहते हो कि काव्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, और वहीं दूसरी तरफ कबर्ड में मेरे लिए जगह बना लेते। नहीं वर्मा जी, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ये तुम मेरे शर्ट के साथ क्या कर रही हो? नहीं मैं बात नहीं कर रही थी, मैं तो। तुमने मेरा शर्ट हाथ में पकड़ा हुआ है, खुद ही बोल रही हो कि बात नहीं कर रही थी, मतलब मेरे शर्ट से तुम बात कर रही थी? नहीं नहीं, वो मैं अपने कपड़े अंदर रख रही थी और आपका ये शर्ट नीचे गिर गया था, तो मैं बस उठाकर अंदर रख रही थी। रख दो। तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं सर, मैं कर लूंगी। कर देता हूँ, क्या है उसमें? थैंक यू करण सर। किस लिए? आपने मेरी हेल्प की ना। अरे कुछ नहीं है। बताओ अच्छा, नहीं मैं अगर हीटर बंद रखूं तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि ग्वालियर में सबको ठंड बहुत लगती है। हाँ आप हीटर बंद कर दीजिए, मुझे ठंड नहीं लगती है। नो प्रॉब्लम। रियली? थैंक गॉड, इस पूरी हवेली में मेरे अलावा तुम पहली इंसान हो तो जनवरी महीने में बिना हीटर के सो सकती है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। एनीवे आराम करो, तुम थक गई होंगी, मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। कहीं जोश में मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? हे करण सर, और हमारी दूरियां कब खत्म होगी? कब हम एक नॉर्मल कपल की तरह इस कमरे में रहेंगे? शाबाश काव्या,
जोश जोश में तूने बोल तो दिया कि मुझे ठंड नहीं लगती। पर अब ये कड़ाके की ठंड बर्दाश्त कैसे करेगी? अगर ये हीटर ऑन नहीं हुआ ना तो सुबह तक तेरी कुल्फी बन जाएगी। करण सर सोते हुए भी कितने क्यूट लगते हैं। बट क्यूटी मैं ठंड में अकड़ ना जाऊं, प्लीज रिमोट लेने दो। काव्या, आज तुमने आ बैल मुझे मार वाला काम किया है। जब करण सर ने पूछा था सच बोल देती ना, पर नहीं, तुमको तो करण सर को इंप्रेस करने का भूत चढ़ा था, तो अब भुगतो। पर वैसे इस कष्ट में भी एक मजा है, कम से कम करण सर को पास से देखने का मौका तो मिल रहा है। इस सौभाग्य के लिए थोड़ी बहुत ठंड तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। आप लोगों के साथ कमला देवी नहीं आई? लीजिए, नाम लिया और कमला देवी आ गई। मैं भी तो देखूं तुम्हारी पारखी नजरों ने कौन सा रतन चुना है कुंवर के लिए। आज तुमने साबित कर दिया कि दुनिया के सामने तुम हमारी बहू बनने के लायक हो ही नहीं। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।